हेलो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सोवेन और आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं जमाइ का तलावास वर्सेस सेंट किड्स नेवेज पैट्रियट्स के बीच का मैच जो कि सी पी एल में मैच नंबर ट्वेल्व के रूप में खेला जाने वाला है क्या कुछ दो टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड लाइनअप्स रहने वाले उस बारे में हम डिस्कस करना इसी वीडियो में वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा सॉफ्ट एंड स्मूथ वीडियो बनाऊंगा और इनफॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा रहने वाला है एंड तक आपको जरूर देखना है अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आने वाले इस मैच में आप बहुत ज़्यादा अर्न करोगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको उसके लिए आपको क्या करना आपको सिंपली वीडियो को पूरा देखना है और आप खुद की टीम्स भी बना सकते हो और अगर आपको खुद की टीम नहीं बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पर हम लोग बिल्कुल ही फ्री में टीम्स देते हैं और ऑलमोस्ट सारे ही मैचेस की टीम्स कवर करते हैं वहाँ पर और साथ ही साथ सारे ही ऐप्स की टीम्स कवर कराने की फुल कोशिश करते हैं टीम मिलती है आपको पाँच मिनट पहले डेडलाइन के तो जेल जाके आप वहाँ पर जुड़ जाए लिंक के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो so, अगर हम इस मैच डिटेल्स के बारे में बात करें तो जमैका तलावास वर्सेज सेंट किड्स नेवीज पैट्रियोट्स के बीच में मैच खेला जाने वाला है डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो डेट सेकेंड सप्टेम्बर Uh, सुबह साढ़े चार बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से खेला जाने वाला है सुबह वाला मैच है सो आपको थोड़ा सा अलार्म वगैरह लगा के सोना होगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा वेन्यू के बारे में बात करें तो वार्नर पार्क में इसका मैच होने वाला है जहाँ पर अब तक के सारे मैच हुए सेंट किड्स में तो ये मैच भी वहाँ पर ही खेला जाने वाला है देखा जाए तो ये सेंट किड्स का ही होम ग्राउंड रहने वाला है बट uh, फिलहाल के लिए सबके लिए न्यूट्रल वेन्यू है ये पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पिच इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इनक्लाइन टूवर्ड्स द बैटर्स तो मतलब बैटर्स को ज़्यादा हेल्प मिलते हुए हमें नजर आ सकता है बॉलर्स विल हैव टू बी मोर एक्यूरेट विद द लाइन एंड लेंथ टू रिकैप रिवॉर्ड्स ऑन दिस सर्फेस तो बॉलर्स को अगर यहाँ पर विकेट चटकाना है तो उनको थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ पर ध्यान देना होगा अगर उन्हें इकोनॉमिकल ओवर्स डालनी है और साथ साथ विकेट भी निकालना है तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करें तो 182 का है कल यहाँ पर जो फर्स्ट मैच हुआ था वो टीके आर के साथ हुआ था और तो उसके अंदर पता लगा था कि जो पिच यूज़ किया गया था वो बिल्कुल ही फ्रेश पिच था वहाँ पर अब तक की एक भी मैच नहीं खेली गई थी तो अगर वापस उधर ही यहाँ पर इसका मैच खेला जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि कैसा रहने वाला है इसका पिच एंड ऑल तो अगर वही ट्रैक पर वापस मैच होता है तो मैं ज़रूर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा कि कैसा मैच होने वाला है ये रिकॉर्ड एवरेज के बारे में बता दिया 182 है रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग टीम्स की अगर बात करो तो एट और सेवन है जो टीम ने चेज किया वो आठ बार जीता है और नहीं किया उन्होंने सात बार हारा भी है एक बार हुआ है सो so, अगर हम रेशियो निकालने जाए तो 55 फाइव टू सिक्सटी के आसपास हमें रेशियो निकल के आता है विनिंग परसेंटेज ऑफ चेजिंग टीम सो so, ये एक ध्यान में रखना है हेड टू हेड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं अब तक इन दोनों ही टीम्स के बीच में बारह मुकाबले खेले गए जहाँ पर दोनों ही इक्वली रहे हैं दोनों ही छः छः जीते जमाइा ने भी छः जीते सेंटकिड्स ने भी यहाँ पर छः छः जीता है सो तो ये जो मैच रहने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमें इससे पता चलेगा कि फ़िलहाल के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है इन दोनों ही टीम्स में से कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रोंगर है और केपेबल है सो इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैच भी रहने वाला है अगर आप चाहो तो अगर आप आपकी नींद थोड़ी सी और कुर्बान कर सकते हो तो मैच को जरूर देखेगा और एल्स uh, पाँच मिनट पहले आप ज़रूर हमें टेलीग्राम चैनल से टीम कॉपी करके वापस सो सकते हो वो आपके ऊपर है पूरा जमैका के बारे में बात करें तो जमैका स्टार्टेड दिस सीज़न विद मैसिव विक्टी ऑफ वन ट्वेंटी रन आंध्रेसल इज अ पावर ऑफ द टीम एंड मेंटेन एट नंबर टू ऑफ कॉन्स्टेबल तो ये टीम ने बहुत जोरदार शुरुआत दी थी इस uh, सीरीज़ के लिए जहाँ पर 120 सौ रन से यहाँ पर जीत दर्ज कर दिया था और आंद्रे एस इनके मेन ऑलराउंडर है प्रीमियम ऑलराउंडर है और इस वक्त अगर हम लोग बात करें तो नंबर टू पर विराजमान है ये टीम सो so, अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम हमें नज़र आ रही है और ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है ऑल डिपार्टमेंट से स्कैन के बारे में बात करें तो इन्होंने टॉप में फिनिश किया था लास्ट सीज़न लेकिन अगर आ, हम बात करें तो इस सीज़न में चेंज हुआ है और स्कैर मेंटेन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है फेस फेजिज चेंज हुए लेकिन आ, उनका जो टॉप में रहने का तरीका है वो चेंज नहीं हुआ और अभी भी ये टॉप पर है तो आज का जो मैच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको एंड तक आ, ये वीडियो को ज़रूर देखना है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और शॉर्ट एंड सिंपल रहने वाला है अब आप स्क्ॉर्ड को जरूर एक बार गो थ्रू कर सकते हो ये दोनों ही टीम्स का स्क्वाड यहाँ पर दस आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोवाइड कराया गया है अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो और एग्जाम स्किप भी कर सकते हो अगर इन सारे प्लेयर्स में से कोई न्यू प्लेयर खेलता है अब समझ लीजिए स्कॉड इसलिए बता रहा हो समझ लिए अब फिडेल एडवर्ड्स खेल जाता है तो इनका फर्स्ट मैच होगा सीजन का इनके बारे में स्टैट्स वगैरह सब जरूर अपडेट कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल में तो आप वहाँ से ज़रूर ले सकते हो और एल्स अगर आपको इन प्लेयर्स में से किसी का स्टैट्स या कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो आप हमारे नीचे वीडियो में आने वाले डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जहाँ पर मैं आपको वहाँ पर जरूर बता दूंगा अपडेट दे दूँगा जो प्लेयर का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अभी हम आगे बात करते हैं प्रोबेबल और प्लेइंग लेवन के बारे में तो ये जो प्लेइंग लेवन है फ्रेंड्स ये हमारे आ, क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से मैंने खुद ने बनाया गया है इसके अंदर चेंजेस होने के फुल चांसेस है अब वो जो चेंजेस वो होता है वो डिपेंड करेगा टीम मैनेजमेंट पर और पिच रिपोर्ट पर अभी पिच कैसा है किसको सपोर्ट करेगा किसके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा उस हिसाब से प्लेयर प्लेइंग में खेलते हुए नजर आता है और साथ ही साथ एट द सेम टाइम यहाँ पर मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है किसे खेलाना है क्या पोजिशन रह सकती है एंड ऑल लेकिन ये बस हमारा एक प्रिडिक्शन भी रहने वाला है और हमारे क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से मैं आपको सामने जो भी विजन है जो भी कुछ हो सकता है वो सारे ही क्लियर कराने की फुल कोशिश करूँगा सो अभी फिलहाल हम क्लियर करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में तो वॉल्टन और कैनार लुई से हमें ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं मोस्टली वन डाउन पर हैदर अली टू डाउन में रोमन पोवल जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग भी करेगी अब ये देखने वाली बात है आप समझ लीजिए कभी कभी आंध्र रसल पूरे अपने कोटा की चार ओवर नहीं डालता है एक या दो ओवर ही डालता है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है रोमन पोवल आके इनकी जगह लेता है और वापस से उनकी जो दो ओवर है या तीन ओवर है वो कंप्लीट करता है और एल्स कभी कभी पूरे ही चार ओवर डाल देता है रोमन पोवल सो तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है और जब भी चार ओवर डालता है तो हमें आशा रहती है कि एक से दो विकेट निकाल दें और साथ ही साथ तो टू डाउन पे आएगा तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है जी में आपको मैं बोलूँगा इस कैप्टेंसी ज़रूर दे सकते हो एक से दो टीम में या वाइस कैप्टेंसी भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो ब्रूक्स uh, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जीएल पिक बन जाएगा कार्लोस ब्रेटविट ज़्यादा कुछ सी में हमेशा से इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो मुझे लो नज़र आता है और ना ही इनकी जो टीम है वो ज़्यादा इन्हें बैक कर पाती है लेकिन वही अगर इसको हम देखें ये पी में जाके खेलता है ये हंड्रेड लीग में जाके खेलता है बिग बैश में जाके खेलता है तो बहुत ज़्यादा जोरदार ढाकड़ परफॉर्मेंस देता है क्योंकि वहाँ पर उन्हें लोग टीम इन पर भरोसा जताती है लेकिन सी में आने का इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं जताया जाता ऐसा मेरा मानना है मुझे फीलिंग ऐसी लगती है आंध्र डॉर्स इनके बाद आएगी हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बॉलर रहे हैं ये अपनी टीम के लिए सी ग्रीन परमॉल और फेडल एडवर्ड्स ये कुछ इनकी प्रोबेबल लेवल रह सकती है सेंट किट्स के बारे में बात करें तो डीवॉन थॉमस और इवान लुइस हमें ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं अब लास्ट मैच में हुआ क्या था लास्ट मैच में हमें देखने मिला था के शरीफ रिद्रफोर ने बहुत ज़ोरदार परफॉर्मेंस दिया था अगर इनका यही पोजीशन रहता है तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा और परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएगा क्योंकि इन्होंने पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जब जब ये ऊपर प्रमोशन किए गए पीएसएल की टीम से मोस्टली मुल्तान सुल्तान की टीम से खेलते नॉट श्योर और पेशावर की ज़लमी की टीम से खेलते दोनों ही में दो ऐसे किसी एक टीम में खेलते सो अगर इन्हें ऊपर प्रमोशन दिया गया कभी कभी तो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है तब तब वन डाउन तो असफ अली हो सकते हैं शरीफ उन रिद्रफोर दुअन ब्राहू अब इनकी जो टीम है इनमें बहुत

और uh, जिस टूर्नामेंट में बात करें तो फोर्टी सेवन थ्री और तेरह रन है ऐसा कुछ निकाला है ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं है ज्यादा कुछ बुरा भी नहीं है फिलहाल के लिए देखा जाए तो मीडियम टूर्नामेंट इनके लिए रहा है वही अगर हम बात करें पी में तो पी में कराची किंग्स की के तरफ से खेलते कभी ओपन करते कभी टू डाउन या थ्री डाउन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाता है ये बंदा केनार लुइस ओवरऑल uh, तेरह मैचेस इन्होंने खेले दो सौ पच्चीस रन स्कोर के तेईस का एवरेज वन थर्टी फोर का स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में बात करें तो फोर्टी एट रन दस रन और जीरो रन निकाला हैदर अली पेशावर जलमी के लिए खेलते पी एस एल में इस टीम में जमा जमैका के लिए खेल रहे हैं इस सी पी एल में तीन मैच में 53 थ्री रन से एक सौ चालीस का इनका स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में बात करें तो 45 फाइव सात और एक रन ऐसा कुछ इन्होंने बनाया है रोमन कोवल 53 थ्री मैचे में नाइन थर्टी एट रन तेईस का एवरेज एक सौ तीस का स्ट्राइक रेट और चौदह विकेट है इस टूर्नामेंट में बात करें तो थर्टी एट रन्स नौ रन एक विकेट और तीन रन एक विकेट ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर निकाला गया है शमरा ब्रुक्स ओवरऑल तेरह मैच सत्रह मैचे में थ्री फोर्टी वन रन बाईस का एवरेज वन थर्टी वन का स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में फोर्टी सेवन रन नॉट बैटिंग नहीं आई आप खेले नहीं थे उस मैच में फिर वापस फोर्टी सेवन रन की पारी इन्होंने खेली है So, अगर वापस ऐसा कुछ देखने मिल जाता है कि टॉप ऑर्डर फील हो जाए तो ब्रूक्स का हमें खेलना अच्छा नजर आ सकता है कार्लोस ब्रेटवेड चौदह मैच में एटी नाइन रन है आ, दस विकेट्स हैं। इस टूर्नामेंट बात करें तो ट्वेंटी नाइन रन और जीरो विकेट्स है जेरस सिक्सटी नाइन मैचेज में वन थ्री एट वन रन सिक्सटी वन विकेट्स एट पॉइंट फाइव फोर की इकोनॉमी रेट जिस टूर्नामेंट में एक विकेट फाइव रन एक विकेट और एक विकेट ऐसा कुछ इन्होंने निकाला है माइगल पेट्रॉस तीन मैचेज में सत्रह रन नौ विकेट्स एट की इकोनॉमी रेट दिस टूर्नामेंट में पंद्रह रन एक विकेट दो रन चार विकेट और चार विकेट निकाला है ऑलमोस्ट हाइस्ट विकेट टेकर है सीरीज़ के लिए अभी तक क्रिस ग्रीन तीन मैच में एक विकेट इस टूर्नामेंट में एक विकेट ही है परमॉल सिक्सटी मैचेस में थर्टी सेवन विकेट है और इस टूर्नामेंट में बात करें तो जीरो विकेट दो विकेट और जीरो विकेट वापस इन्होंने निकाला है इमरान खान इस सीरीज़ में बस तीन ही विकेट है दो मैचेज में सेंट किच्च के बारे में बात करें तो डी डीवान थॉमस ओवरऑल फिफ्टी सिक्स मैचे में एट फिफ्टी फाइव रन इक्कीस का एवरेज है वन ट्वेंटी सिक्स का स्ट्राइक रेट है इस टूर्नामेंट में बात करें तो थर्टी वन रन फिफ्टी वन रन और सात रन ऐसा कुछ इसने निकाला एवं लुएस सिक्सटी फोर मैचेज में वन फाइव सिक्स फोर रन है छब्बीस का एम का एवरेज वन फोर्टी वन का स्ट्राइक रेट है इस टूर्नामेंट में बात करें तो तीस रन सिक्सटी टू रन और छः रन निकाला है इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं हमेशा से इसको बैक करते आया हूँ जिस मैच में फ्लॉप होता है उसके अगले मैच में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे तो ऐसे टाइम पर मैं इन्हें वाइस कैप्टनसी दे देता हूँ या तो फिर कैप्टनसी ही दे देता हूँ तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करा के ये बंदा दे देता है देन uh, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर uh... असफ अली के बारे में तो तेरह मैचेज इन्होंने खेले है वन ट्वेंटी एट रन से पंद्रह का एवरेज एक सौ दस का स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में बात करो दोन आठ रन है शेफन रिदर्फ फोर्ड मैं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेसू क्यों इंप्रेसिव पी एस एम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिया था अब टीम्स क्या गलती करती थी टीम्स ये गलती करती थी कि इसे बहुत ज्यादा इनसे खेला देती जो कि ये जो टीम है सेंट किट्स ये वो गलती नहीं कर रही इन्हें ऊपर प्रमोशन करा रही है तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इनके बल्ले से हमें देखने मिल रहा है थर्टी वन मैचेज में फोर फिफ्टी थ्री रन स्कोर किया थर्टी नाइन का एवरेज एक सौ चालीस का स्ट्राइक रेट है इस टूर्नामेंट में बात करें तो 58 एट रन चौदह रन और 53 थ्री रन से दो ब्रावो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था फर्स्ट मैच में आ, क्यों उ था क्योंकि इन्होंने भी खुद को ऊपर प्रमोट किया था ओवरऑल 79 मैचेस में 964 सिक्सटी फोर रन है तेईस का एवरेज है वन का स्ट्राइक रेट है एक विकेट्स इन्होंने निकाले हैं एट एट की इकोनॉमी रेट है इस टूर्नामेंट में बाईस रन एक विकेट और फोर्टी सेवन रन है फैबन एलन उन्नीस uh, पैवरे में थ्री सिक्सटी फोर रन है चालीस कैवेड वन एटी थ्री का स्ट्राइक एट विकेट है इस टूर्नामेंट में बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी मैच में एक एक विकेट है और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ये हार्ड इटिंग भी करता है और मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी अच्छी खासी इटिंग करके देगा ये जॉशर डे सिल्वा नौ मैचेज थर्टी सिक्स रन 27 का एवरेज एक सौ पाँच का स्ट्राइक रेट डोमिनिक ड्रिक्स नौ मैच में नौ विकेट इस टूर्नामेंट में तीन विकेट और दो विकेट है मतलब दो मैच में पाँच विकेट है जैसा कर जगह सर दस मैच में छः विकेट पॉल वैन मैकरीन तीन मैच में दो विकेट और फवाद अहमद चौबीस मैच में थर्टी फाइव विकेट्स है और इस टूर्नामेंट में दो मैच में दो विकेट्स है सो so ये कुछ था दोनों ही टीम्स का स्टार्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन मैं आशा करता तो हूँ आपको हमारा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा शॉर्ट एंड सिंपल था अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ फिलहाल के लिए और टेम्प्रेरी टीम बनी है विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने लिया डी थॉमस को बैटिंग सेक्शन से लिया रोमन पोवल इवान लुइस और शेरफन रेदरफोर्ड को ऑलराउंडर सेक्शन से लिया कर्लोज ब्रेटविट फेबन एलन आंध्र रेसल और डीजे ब्रावो को बॉलर सेक्शन से लिया डोमिन ड्रेस वर्मा पॉल और पेटेरेस को अब देखिए कैप्टनशिप मैंने दी आप ब्रावो को वाइस कैप्टनशिप को आप स्विच कर सकते हो सिंपली और एल्स अदर कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में सो ए सेफेस्ट ब्लू तो फैबेन एलन हो सकता है और एल्स इवान लुइस एंड रोमन पोवल इन दोनों में से कोई एक हो सकता है सेफेस्ट अब आप क्या चेंजेस कर सकते हो आप सिंपली यहाँ पर ब्राइटवेट को निकाल के विकेट कीपर और एक एक्स्ट्रा लीस सकते हो और बैट्समैन ले सकते हो और यहाँ पर बॉलर भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो फिलहाल के लिए टीम है अब टॉस के बाद जो भी पिच रहेगा पिच कैसा रहेगा उस हिसाब से हमारी टीम भी बनेगी क्या कुछ चेंजेस रहेंगे उस हिसाब से थोड़े से चेंजेस भी हो सकते हैं लेकिन स्टैट्स एंड इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको प्रोवाइड उसे आप जरूर याद में रखिए और एंड तक आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है वो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच और फाइनल टीम ऑन ऑनर टेलीग्राम चैनल बेस्ट ऑफ लक